नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। नजर डालते हैं सबसे पहले आज के एजेंडे पर। उत्तराखंड में 31 मार्च को नहीं होगा बहुमत परीक्षण, हाई कोर्ट ने रोका। और सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा सांप्रदायिक और विभाजनकारी है एनडीए। चलिए सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड को लेकर के। आपको बता दें कि 31 तारीख को सिंगल बेंच ने नैनीताल हाई कोर्ट की ये फैसला दिया था कि 31 तारीख को जो है फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन आज जो डबल बेंच में सुनवाई हुई उसमें ये कहा गया कि क्यों इतनी जल्दबाजी लगाई गई। मुकुल रोहतगी से ये कहा गया और साथ ही साथ जो फैसला सुनाया गया उसमें आपको बता दें कि अब अगली सुनवाई इस मामले में 6 अप्रैल को होगी और तब तक कोई भी शक्ति परीक्षण नहीं होगा। क्या कुछ कहा गया जो है अदालत के बाहर वकीलों की तरफ से, आइए जरा सुनते हैं। बेंच के सामने आया है और डिवीजन बेंच ने सबके कंसेंट के साथ, क्योंकि ये कंसेंशुअल ऑर्डर है, तय किया है कि ये मामला अगले हफ्ते 6 तारीख को सुनी जाएगी और जो सिंगल जज का ऑर्डर है वो 7 तारीख तक होल्ड पे हो गया है। जहां तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार अपना काउंटर इस पिटिशन पर सोमवार तक देगा, दूसरी साइड पिटिशनर का जवाब मंगल तक आएगा, बुधवार को इसकी सुनवाई होगी। धन्यवाद। यूनियन ऑफ इंडिया की अपील में सिंघवी साहब ने कंसेंट भी दी है उसमें, तो अब 6 तारीख को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और सिंगल जज के सामने से सारा रिकॉर्ड डिवीजन बेंच में बुला लिया गया। ये देखिए, ये तो फैसला एक बार को न्यायालय को लेना ही था कि जो प्रेजेंट रूल लगा है वो सही है या गलत, इसको चैलेंज किया गया है और हमें आदेश का इंतजार करना चाहिए। आज फिलहाल सिंगल जज का ऑर्डर जिन्होंने स्टे को जो कहा था कि फ्लोर टेस्ट होगा वो स्टे कर दिया गया है। कोर्ट ने मैटर को 6 तारीख के लिए एडजर्न कर दिया है, जो कल फ्लोर टेस्ट था उसको भी एडजर्न कर दिया है। अब कल कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, सिंगल जज के पास से सारा मामला डिवीजन बेंच पे मंगा लिया गया है। चीफ साहब खुद मैटर को सुनेंगे, 6 तारीख से इसमें सुनवाई शुरू होगी। चलिए बीजेपी के महासचिव क्या कुछ कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, जरा उनको सुनते हैं। सारे देश के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व बहुत कमजोर हो गया। हमारे पास कांग्रेस के ही विधायक आए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की फाइल लेकर आए, भ्रष्टाचार की फाइल लेकर आए और ये कहा कि ये उत्तराखंड को बचाना है तो इन मुख्यमंत्री जी को हटाना पड़ेगा। हम 1.5 साल से राहुल जी के चक्कर लगा रहे हैं, राहुल जी मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। राहुल जी मिलने के लिए हैदराबाद के कॉलेज जाते हैं, JNU जाते हैं, पर हमारे विधायकों को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। तो हमने तय किया है कि उत्तराखंड को बचाने के लिए मुख्यमंत्री को हटाना जरूरी है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? कांग्रेस के ही विधायक कांग्रेस के विरोध में खड़े होते हैं, कांग्रेस के ही विधायक स्टिंग कराते हैं, कांग्रेस के ही विधायक यदि मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएं। अपना घर कांग्रेस से संभल नहीं रहा है। हम तो यही सलाह देंगे कि अपना घर संभालें आप और हम पे आरोप नहीं लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो घबरा क्यों रहे? पहले दिन ही जब डिवीजन मांगा था तो डिवीजन दे देते हाउस के अंदर, भागे क्यों वहाँ से? और अभी भी हम तो कह रहे हैं कि किसी भी फ्लोर पर आके बहुमत सिद्ध कर दे, 36 हमारे साथ आज भी हैं। चलिए इस बीच जो है मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी के, वो क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर के, वो भी सुन लीजिए। जी के सरकार के हथकंडे रहे, जिस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपने प्रतिद्वंदियों को फंसाने का काम किया, हमारे माननीय विधायक श्री गणेश जोशी जी को तीर का ताड़ बना करके मतदान से वंचित कराने का काम किया, जेल भिजवा करके, अपने जो कुछ दिनों पहले मंत्रिमंडल के सहयोगी थे उनके बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं, उनको फंसाने की साजिश रच रहे हैं, उससे निश्चित रूप से ये पुख्ता होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर, उनकी निजता पर, उनकी प्राइवेसी पर पहरा बैठाने का काम किया है। चले इस बीच तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पुष्पेन कुलशेष जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ उपेन प्रसाद जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता कांग्रेस पार्टी से। हमारे साथ दिलीप के सिंह जी मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर जैन टीवी के, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और भी कई सारे खास मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में और जुड़ेंगे। पहली टिप्पणी दिलीप जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये हम देख रहे थे कि बीजेपी के खेमे में कुछ इस बात को लेकर के खुशी आज देखने को मिल रही थी कि सिंगल बेंच ने जो है वो हड़बड़ी में फैसला सुनाया और ये फैसला सही है, लेकिन जो टिप्पणियां अब तक की गई हैं, एक टिप्पणी तो ये की गई कि जब 28 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना था
तो फिर इतनी जल्दबाजी में यह फैसला क्यों किया गया। दूसरी टिप्पणी ये कही गई कि हाईकोर्ट ने कहा कि हमारी ड्यूटी है कि हम किसी भी स्थिति में धारा 356 का राजनीतिक इस्तेमाल ना होने दें। इन तमाम टिप्पणियों के बीच में आज के इस पूरे सुनवाई को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चूंकि सुनवाई होनी है अभी जी, और ये एक तात्कालिक रूप से जो कल मोहब्बत परीक्षण होना था उस पर रोक लगी है और आगे फैसला होगा। दोनों पक्ष अपने अपनी दलील, अपने अपने तथ्य, अपने अपने साक्ष्य कोर्ट के सामने रख रहे हैं, जज उस पर फैसला करेंगे, डिवीजन बेंच है। तो मुझे लगता है एक तो फैसला का इंतजार करना चाहिए और इस पे टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता है क्योंकि इट्स अंडर प्रोसेस, जो अभी चल ही रहा है। लेकिन जो दो बातें अहम है, जो आपने कहा कि एक सवाल एक टिप्पणी, क्योंकि अब वो किस कंटेक्स्ट में कहा गया है, किस तरह से कहा गया है, उसके पूरे परिप्रेक्ष्य को हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये सवाल मैं कोर्ट से बाहर आप देखें तो लोग पूछ रहे हैं, आखिर जब 28 को बहुमत परीक्षण होना था तो उससे पहले ये आनंद फानन में या जल्दबाजी में क्यों की गई, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के तरफ से भी, कैंप से भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो बात भारतीय जनता पार्टी के अभी महासचिव कह रहे थे कि कांग्रेस के जो अंदरूनी झगड़े हैं और ये आज 28 तारीख को या बजट के 18 तारीख को सामने नहीं आए, ये पहले से चल रहा था, लगातार चल रहा था। और हरीश रावत के खिलाफ विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत लगातार अपनी ही सरकार को वो कटघरे में खड़े करते नजर आ रहे थे। तो जो वो कह रहे हैं कि वो अगर 9 विधायक जो हैं पार्टी के खिलाफ हो गए हैं या पार्टी के खिलाफ नहीं, हरीश रावत सरकार के खिलाफ है, तो सरकार तो अल्पमत में है। ऐसे में जब वो खुद अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर जो वो जवाबदेही थोप रहे हैं या उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, ये कितना वाजिब है? अब ये सवाल हमने लगातार, आप 18 तारीख से याद करें, 18 तारीख से लेके और आज तक हमने कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता रहे हैं या उनके नेता हुए हैं या उनके अन्य जो, मैं हमने उनसे लगातार पूछा कि जब इस संकट की भी शुरुआत हुई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता देहरादून तक पहुंच गए, कांग्रेस पार्टी के नेता कहां थे, कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड किस तरफ था, क्या कर रहे थे? पहले से आपने नियंत्रण नहीं किया, आखिरी क्षणों में भी आपने नियंत्रण नहीं किया और जब सब कुछ हाथ से निकल गए तो आप कानूनी उसमें जा रहे हैं, ठीक है, जाना चाहिए, आपके पास विकल्प है। लेकिन ये दोनों सवाल जो है विपुल, इसकी आप देखिए, जब सुनवाई पूरी होगी और फैसला आएगा तो मुझे लगता है उससे काफी चीजें क्लियर होगी। चलिए बाकी वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाएं, उससे पहले हम जरा सोच रहे हैं कि जरा कांग्रेस से ही पूछ लेते हैं इस बारे में, आपसे चूक हुई क्या संजीव जी? आपको लगता है कि जैसे अंबिका सोनी अब जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, तमाम मीडिया से बात कर रही हैं और वो कह रही हैं ऐसा नहीं ऐसा, तो ये चीजें अगर वो थोड़ा पहले करती तो शायद ऐसी स्थिति ना आती। आप तमाम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं लेकिन आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि चूक आपकी तरफ से हुई, चाहे वो हाईकमान लेवल पे हुई हो चाहे मुख्यमंत्री हरीश रावत के लेवल पे हुई। देखिए, ऐसा कोई चूक नहीं हुआ है, ये एक साजिश के तहत जितने भी मामला ये चला है, एक साजिश के तहत बजट पेश हुआ, बजट का सारा कुछ क्लियर हुआ। पहले से बोल रहे हैं नहीं, आपके पहले से देखिए, उनके पहले भी मुलाकातें हुई, ऐसे कोई बात नहीं है। पहले लगातार हमला कर रहे हैं हरीश रावत के ऊपर, पार्टी फोरम में आके विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत का हमला लगातार जारी है। नहीं, विजय बहुगुणा इसलिए कि विजय बहुगुणा जी का लगातार हमला जारी है तो विजय बहुगुणा को ही सीएम बना के रखना और पार्टी के लिए लॉस था। पार्टी जो मेरा एक छोटा सवाल है आपसे, सवाल ये है, इस पूरे मामले को लेकर के कम से कम जो घटनाक्रम घटा उसके 3 दिन पहले से तमाम मीडिया में इस बारे में चर्चा हो रही थी, क्या ऐसी वजह है कि आपको छोड़कर के तमाम मीडिया चैनल डिस्कस कर रहे हैं इसको, डिबेट में इसको चर्चा में ला रहे हैं और आपको नहीं पता था? आप कह रहे हैं कि नहीं, जो उस दिन बजट पेश हुआ, आपके नेता कह रहे हैं ये कि नहीं, वो आखिरी में इशारा हो गया बीजेपी की तरफ से, इसलिए बजट पेश होने के बाद उन्होंने इस बात को लेकर इस बात को उठाया। मेरा सवाल ये है कि जब तमाम लोगों को पता था तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको नहीं पता था, या आप इसको बहुत लाइटली ले रहे थे? नहीं, हम लोग कोई लाइटली नहीं ले रहे थे, हम लोग सबके साथ संपर्क में थे और ये तो एक प्रॉपर एजेंडा बना के बीजेपी का अपना एक साजिश के तहत सबसे बात करके पहले से ही, और तोड़ने का पूरा का जो श्रेय जो जाता है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें। देखिए, पार्टी में असंतुष्ट होना और
संतुष्ट होना, ये बात सही है कि असंतुष्ट भी हो सकते हैं, हम भी संतुष्ट हो सकते हैं, ये दोनों चीजें चलती है। बीजेपी से ही आज के डेट में 190 एमपी नाराज हैं उनकी कार्यशैली से, तो वो तो हम नहीं बोल रहे, कांग्रेस के साथ नहीं आए, नहीं कांग्रेस के साथ आने की बात नहीं कर रहे, वो हवाई जहाज में बैठ के नहीं संसद के की बात है। संजीव जी बीजेपी को हवा भर के कन्विंस करके तोड़ने की पूरा कोशिश किया संजीव जी, ये इनका पहला मामला नहीं है संजीव जी, ये अरुणाचल में भी यही किए और यहाँ उत्तराखंड में भी यही कर रहे हैं। लेकिन आप अपने चीजों को दुरुस्त नहीं कर पा रहे, अपने घर को दुरुस्त नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आप इनकी मानसिकता यही हो रही है कि किसी तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए, और अपना अभी 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 आप ही के चैनल पे वो दिखा रहे थे कि हमारे पास 36 बहुमत है, हम सरकार बनाएंगे, तो ये सब क्या है? चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खास मेहमानों से भी बातचीत करेंगे, चर्चा जारी है। घटना चक्र में तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम बात कर रहे हैं जो संकट इस समय उत्तराखंड में चल रहा है और तमाम लड़ाइयां जो उस समय न्यायालय में चल रही हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आनंद रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आनंद जी, अभी हम संजीवी से बातचीत कर रहे थे, एक सवाल जो अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, वो सवाल वो ये था कि कहाँ चूक हुई, आप तमाम आपके नेता जो है आकर के ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो है बीजेपी की तरफ से तोड़ा गया, बीजेपी की गलती है, असंवैधानिक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो आपको स्वीकार करना होगा कि चूक आपकी तरफ से हुई, आपके हाईकमान की तरफ से हुई, स्टेट लेवल पे हुई, आप लोग इसको बहुत लाइटली बहुत हल्के में ले रहे थे चीजों को। देखिए, इस पूरे प्रकरण को आप अगर आप पूरे प्रकरण को देखें जी, तो इसमें स्पष्टतः भारतीय जनता पार्टी की भूमिका इसमें साफ साफ तौर पर दिखाई देती है। जिस तरीके से 15 तारीख से ही कैलाश विजयवर्गीय जी देहरादून में डेरा डाले हुए हैं और उनके स्थानीय नेतृत्व को कोई जानकारी नहीं, वो तो इत्तेफाक या दुर्भाग्य ऐसा रहा कि 15 मार्च को शक्तिमान घोड़े का एक दुर्भाग्यवश एक घटना हो गई, तो जिसकी वजह से इनको कुछ दिन तक, एक दो दिन तक इनको शांत रहना पड़ा। फिर ये 18 तारीख का जो है इन्होंने ये पूरा परिणति किया, और जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी, श्याम जाजू जी खुला एकदम पैसे का खेल खेलते हुए जो है लालच दे रहे थे, तो अब ये दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी चुन करके आते हैं जिनके लिए विकास मुद्दा नहीं होता, उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। नहीं तो छोटा सा उदाहरण है, केदारनाथ विधानसभा में ऐतिहासिक काम हुआ और इसे पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष में उमा भारती जी साल में एक बार केदारनाथ प्रवास में जाती हैं, उन्होंने खुद इस बात को मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि हरीश रावत जी के नेतृत्व वाली सरकार ने केदारनाथ जी में ऐतिहासिक काम किया, तो वहीं की विधायक शरणानी रावत नाराज हो गई, और खुद भुवन चंद्र खंडूरी जी जो एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे ना राष्ट्रपति जी के वहां मार्च करने में थे और ना ही कहीं पर उनकी कहीं पर कोई भी टीका टिप्पणी या बयान आ रहा है, क्योंकि वो भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये गलत कर रही है। आप चोर दरवाजे से सत्ता को हथियाना चाह रहे हैं, राज्यसभा में अपनी संख्या बल बढ़ाना चाह रहे हैं, ये गलत तरीका है। अरुणाचल प्रदेश में आपने किया, इसकी परिणति आप उत्तराखंड में भी कर रहे हैं। एक सवाल, आपने जो भी बातें कही है उस पर मैं कह रहा हूँ कि 15 तारीख से आप कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, महासचिव है। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव, प्रभारी, राष्ट्रीय नेता, हाई कमांड, इनको भी तो एक्टिव दिखना चाहिए था अगर ये संकट था, वो कहां थे? देखे, सवाल ये बिल्कुल बिल्कुल आप जो प्रश्न कर रहे हैं, देखिए हम लोग बिल्कुल आश्वस्त थे कि
असंतोष जैसी ऐसी कुछ चीज नहीं है और दो चार लोगों की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, लेकिन अगर वो इस तरीके से कुछ भी गतिविधि करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने पूरे मंत्रिमंडल पे उनका बहुत अच्छा नियंत्रण था, कहीं पर भी अब जैसे हरक सिंह जी के विषय में तो मुख्यमंत्री जी ने खुले तौर पर बोल दिया कि वो व्यक्ति जब भी जो है कोई भी प्रस्ताव लाता तो केवल वो धन को ही देखते थे, तो उनकी मंशा मंत्रिमंडल में रहते हुए पूरी हो नहीं रही थी, तो उनको लग रहा था कि चार साल का समय तो जो है सुख ही कट गया, दो साल का समय तो सुख ही कट गया, क्योंकि विजय भगुना जी के साथ उनकी बढ़िया ट्यूनिंग थी तो अच्छा उन्होंने कारोबार किया होगा, लेकिन ये दो साल तो उनका सुख ही कट गया, तो उनको लगा कि अब अंतिम वर्ष में जो है क्या पता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कुछ ऐसे वो बन जाए। देखिए यहाँ पर एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम लोग दल बदल कानून पे न राष्ट्रीय स्तर पर न प्रादेशिक स्तर पर कोई बात ही नहीं हो रही है। ये नजीर बन जाएगा अगर हम दल बदल कानून पे एक जन चेतना बनाए। अगर आपने वो कानून बनाया है तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो कीजिए। आपने उस पे इतने लूपहोल छोड़ दिए कि हर व्यक्ति उसको अपने अनुसार उसको व्याख्या कर रहा है, तो ये जो लूपहोल्स हैं इसको पार्लियामेंट के माध्यम से इन लूपहोल्स को दूर करना चाहिए, नहीं तो छोटे राज्यों के लिए ये एक असाध्य रोग की तरह जो है उभर करके आएगा ये दल बदल कानून। अभी की जो स्थिति है उस पर मैं आपकी टिप्पणी अब जानना चाहूंगा, क्योंकि एक तो एक सवाल उसमें ये भी है कि जो अभी आप कह रहे थे कि हमें अंदाजा नहीं था, दो दिन पहले से ही तमाम चैनल्स पे ये चल रहा था 8-9 लोग जो है वो बागी हो सकते हैं। इनफैक्ट जिस दिन की घटना उस दिन सुबह से सबको पता था कि आज जो है एक बड़ा कांड हो सकता है, तो ये ऐसा कैसे था कि मुख्यमंत्री को पता नहीं था? दूसरा, आज जो फैसला सुनाया गया डबल बेंच की तरफ से उस पर आपकी टिप्पणी, उसका विपुल जी, कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड के प्रभारी नहीं है, लेकिन वो एक स्पेशल टास्क के तहत आते हैं और उनका लक्ष्य यह था कि कम से कम मैं 15-1 विधायक तोड़ करके आऊं, और वो सिर्फ धनबल के आधार पर वो साफ तौर पर दिख रहा था। और देखिए साहब, हम तो बिल्कुल पारदर्शिता से जो है सरकार भी हमने चलाई और पारदर्शिता से चीजें भी रख रहे हैं, तो जब साफ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किस मोटिव से कर रही है तो जनता के बीच में आज भी है वो चीजें, और इस पैनल में बैठे जितने भी लोग हैं वो इस बात को नकार नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी एक कुसित मंशा के साथ चोर दरवाजे के साथ राज्यसभा में अपने संख्या बल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जहां तक आज के जजमेंट का बात है, आज का जजमेंट तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ऐसा कोई निर्णय है ही नहीं। अगर कोई निर्णय होता तो फिर उसका पक्ष और विपक्ष दोनों पहलू देखे जाते, फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट या जो भी उस पे होता, तो उस पे सिर्फ और सिर्फ स्टे हुआ है जो कल का निर्णय आया है, और उसमें निराशा है कांग्रेस में इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस पे हम लोग चूंकि जनता से के द्वारा चुनी हुई सरकार थी और जनता के लिए काम कर रही थी और जनता पे ही पूरा भरोसा है, और हमने तो पहले दिन ही जो है मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है तो विधानसभा भंग कीजिए और चुनाव में चलते हैं, और अगर आपने विधानसभा सस्पेंड ही की है तो दो बार मुख्यमंत्री जी ने, मैं अभी भी मुख्यमंत्री इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है संवैधानिक हो, लेकिन चूंकि संख्या बल उनके साथ है तो मैं उनको मुख्यमंत्री इसलिए कह रहा हूं, तो वो उन्होंने राजभवन जाकर के अपने 34 विधायकों के साथ उन्होंने फिर से आवेदन ज्ञापन दिया है कि मेरे पास संख्या बल है और मुझे कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 27 पे है और 9 लोगों की जो बागी विधायक हैं विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनकी सदस्यता निरस्त कर दी है, हालांकि वो हाईकोर्ट में मामला लंबित है, 1 तारीख को उस पर भी सुनवाई आ जाएगी, तो संख्या बल के हिसाब से हरीश रावत जी के पास संख्या बल है। तो फ्लो टेस्ट होता है, क्या होता है उस पर हम नजर डालेंगे। चाहूंगा छोटी छोटी टिप्पणी जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं काफी देर से उनसे जरा ले लेते हैं। उपेन जी, मैं जानना चाहूंगा आज की जो टिप्पणियां की गई हैं, एक तो जो केंद्र सरकार के सिख के बारे में पूछा गया मुकुल रोहतगी से, क्यों इतनी जल्दबाजी दिखाई गई, उसमें एक बात यह भी कही गई कि किसी भी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का मौका देना जरूरी है और सबसे स्वस्थ प्रक्रिया है, इस बात का भी जिक्र किया गया। आज की सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां की गई हैं कोर्ट न्यायालय की तरफ से, उसको आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि इसके जवाब में जो कहा गया मुकुल रोहतगी की तरफ से, उनका कि फ्लोर टेस्ट जो है वो किसी सरकार का होता है, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा में ना तो कोई सरकार है ना तो कोई मंत्री है, तो फिर फ्लोर टेस्ट किसका हो रहा है? बहुत सारी चीजें टेक्निकल है, मैं समझना चाहूंगा अगर आप इस पर टिप्पणी छोटी कर सके तो। देखिए, इसमें कोई बहुत उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट वो जो कोर्ट का जो बेंच ने वही सवाल किया है जो सवाल एक आम व्यक्ति के दिमाग में उभर रहा है, ये किसी का भी एक एवरेज सिटीजन जो है जो थोड़ा भी समझ रखता है वो जरूर इस पर आश्चर्य करेगा कि जब 28 तारीख को विधानसभा में
शक्ति परीक्षण होना था तो फिर 27 तारीख को विधानसभा को भंग क्यों कर दिया गया? फिर ये सवाल उठ सकता कि अगर उसको भंग करना ही था, भंग नहीं किया गया, सस्पेंड, अरे उसको सस्पेंड क्यों किया गया? सरकार को क्यों सरकार को क्यों हटाया गया? जबकि सरकार बोमई केस में स्पष्ट है कि किसी का मुख्यमंत्री बहुमत में है या अल्पमत में है, इसका निर्णय राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, इसका निर्णय विधानसभा ही कर सकती है, ये स्पष्ट है। उस वो जो आदेश है उसका उल्लंघन किया गया। और अगर राज्यपाल को शक था कि इनकी इनका इनको विश्वास मत नहीं है प्राप्त, तो 10 दिन का समय क्यों दिया? 18 को सदन चला था जिसमें कि बजट पेश किया गया, पास हुआ या न हुआ इसको लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया, लेकिन उसमें भी जो राज्यपाल हैं उनको विधानसभा का जो रिकॉर्ड है उसी के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। तो उनको विधानसभा का रिकॉर्ड ये है कि वो पास हो चुका है, पास होने के बाद डिवीजन की मांग की गई, लेकिन जब तक पास हो चुका था। फिर भी अगर विधायक जाते हैं राज्यपाल के पास और कहते हैं कि नहीं हमने पहले मांगा था, तो कुछ शक उस पर आ जाता है, तो 10 दिन का समय क्यों दिया गया? विधानसभा का सत्र चल रहा था, राज्यपाल बोलते कि अगली जो सिटिंग है, नेक्स्ट सिटिंग है, उसी में आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर लीजिए। लेकिन तो विधानसभा 28 के लिए ही जो है वो स्थगित की गई थी, 28 तारीख को ही लगने थी। नहीं नहीं, लेकिन राज्यपाल कह सकते जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो तब तो बोलते हैं कि विधानसभा सत्र आहूत करके शक्ति परीक्षण कीजिए, तब उसमें भी कभी कभी तो 3 दिन का समय दिया जा रहा है, 3 दिन में आप कीजिए। जब विधानसभा नहीं चल रहा हो उसमें क्या स्थगित हो गया, उसको प्रोरोग वो हो गया होगा, बीच में विराम में चला गया होगा, लेकिन जो सेशन तो चल रहा है उसके लिए कोई नया नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। तो उसमें है कि राज्यपाल को उस समय इतना अर्जेंट नहीं लगा कि तुरंत हम कहें उनको करने के लिए, 10 दिन का समय दिया गया, तो वो टेक्निकली सही थे, वो 10 दिन का समय दिया गया अपने हिसाब से सही थे। लेकिन सवाल था कि पहले, अभी तो यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है 27 तारीख का, वह क्या सिफारिश थी राज्यपाल की, ये आपको आनंद रावत जी बतलाएंगे कि वो किस तरह की कौन सी सिफारिश थी, क्या उसमें सिफारिश में कहा गया था राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए इसमें आपने जो बातें की, मैं उसमें 2-3 चीजें जोड़ते हुए आपके इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो 18 तारीख को जब ये जो भी ये घटना हुई और फिर उसके बाद 26 तारीख को 27 तारीख को राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और आधार 18 तारीख का ही मनाया जाता है। अगर आप अरुण जेटली जी के उस वक्तव्य को देखें, 18 तारीख को ही उन्होंने आधार बनाया, तो उनको 19 को ही जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था। लेकिन इस चीज को हमको पूरे परिदृश्य को समझना पड़ेगा कि बागी विधायकों की याचिका 26 तारीख को खारिज हो गई हाईकोर्ट के द्वारा। इस दौरान एक प्रकरण सीडी प्रकरण भी आया, क्या उसकी भूमिका है? क्या बिल्कुल, अब सीडी प्रकरण को भी देखिए आप, 26 तारीख को 11 बजे उसका विमोचन होता है भगुणा जी के द्वारा, चाहे वो साकेत भगुणा हो या विजय भगुणा, मैं दोनों को एक ही मानता हूँ। भगुणा जी के द्वारा 11 बजे उसका विमोचन होता है और रात को कैबिनेट बैठती है और करीबन बताया जाता है कि 10 बजे राष्ट्रपति जी ने भी वो सीडी फॉरेंसिक, तब तक वो इतनी देर में फॉरेंसिक लैब में उसकी पुष्टि भी हो चुकी होती है और राष्ट्रपति जी को दिखा करके आधार बनाया जाता है। तो राष्ट्रपति जी फिर गवर्नर साहब से पूछते हैं जो घटनाक्रम जो जोड़े जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, फॉरेंसिक लैब में किसी चीज की जांच हो रही तो वॉइस सैंपल तो लिया ही नहीं गया, इक्विपमेंट कौन कौन से थे वो भी कहीं पर भी नहीं लिया गया। तो ये मात्र 12-13 घंटे के अंदर गृह मंत्रालय फॉरेंसिक जांच पे उसकी पुष्टि भी कर लेता है कि वो सीडी सही है करके। तो अब ये किसी भी आम जनमानस के लिए पचापाना, या हमारे यहाँ पर बुद्धिजीवी पैनल बैठा है तो, और आप देखिए कि कल जो हाईकोर्ट का भी जो जजमेंट आया था उसने इसको संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी चीज समझ रहा था कि मात्र 12 घंटे में एक प्रायोजित सीडी, जिसको मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि ये झूठा है करके, और उनका वॉइस सैंपल और कहीं पर कोई FIR नहीं, कुछ नहीं, मतलब किस तरीके की चीजें जो है केंद्र सरकार ने किया जल्दबाजी में, अब उनको ये जवाब तो देना ही पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी से ले लूं, अब उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी बीजेपी के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जवाब देंगे आपके तमाम सवालों का। पुष्पेंद्र जी आपकी टिप्पणी, उसका ब्रेक लेते हैं। नहीं, आप कोर्ट पे पूछना चाहते हैं या राजनीतिक हालात? दोनों चीजों पे आप अपनी टिप्पणी दे। देखिए, पहली बात यह है कि कोर्ट के मामले में मुझे लगता है कि कल कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको आज के फैसले ने करीब करीब, जैसे कहते हैं कि कोर्ट का एक पक्ष जो है उसे बचा लिया है आज के फैसले ने, क्योंकि कल कोर्ट का जो फैसला था वो अपने आप में एक अंतर्विरोधी था। उन्होंने कहा कि साहब आप 31 तारीख को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाइए और ये जो 9 बागी हैं ये इनकी सदस्यता के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं की, कहा ये वोट दे सकते हैं, फिर कहा ये अलग लिफाफे में दे सकते हैं, उनका काउंट होगा नहीं होगा ये मुझे समझ नहीं आया। दूसरी बात ये है कि जब स्पीकर ने 26 तारीख की शाम को
मैं चीजों को जोड़ना चाहूंगा क्योंकि ये कोर्ट ने शायद इसलिए कहा होगा क्योंकि एक तारीख को बागी विधायकों की उस अपील पे सुनवाई होनी है, तो संभवतः ये भी हो सकता है क्योंकि अभी तक विधानसभा अध्यक्ष का जो भी निर्णय होता है उसको कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसी पे आ रहा हूँ कि जब विधानसभा में स्पीकर ने उनकी 9 लोगों की सदस्यता रद्द कर दी 26 तारीख की शाम को, तो मुझे यह समझ नहीं आया कि विधानसभा अध्यक्ष के इस पूरे निर्णय को कोर्ट ने जिस तरीके से कहा, तो या तो सदस्यता पे रोक लगाते या स्टे देते, वो तो दिया नहीं और वोट देने की बात कही, तो मुझे यह समझ नहीं आया कि विधानसभा के अंदर विधानसभा का अध्यक्ष सर्वप्रिय होता है, तो अगर वो 9 लोग अंदर नहीं जा सकते थे, वोट बाहर से देके भाग जाते, तो ये बड़ा अपने आप में पशुपेश किस्म का उनका निर्णय था जिसको आज ये कहा गया कि साहब इसके ऊपर फैसला 5 तारीख को होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो मेरा पॉलिटिकल बात है जो दोनों मेरे कांग्रेस मित्रों से है, कि एक चीज मेरी समझ नहीं आ रही कि जब उत्तराखंड में विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस वक्त भी विरोध हो रहा था, और उत्तराखंड में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो ये भी सवाल उठे थे कि ये देश के पहले ऐसे जज थे जिन पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप थे कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस AM MD ने इनको बुला के कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं देश के पहले जज होंगे जिसे भ्रष्टाचार है, मुझे निकालना होगा। उस विजय बहुगुणा को 10 जनपद के कुछ सिपे सालारों ने अपने किसी काम के एवज में समझौते के तहत उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद भी उन पर आरोप लगते रहे, दिल्ली खामोश रही, कोई नहीं बोला, केदारनाथ त्रासदी में तमाम लूट के आरोप लगे, तब भी नहीं कोई बोला। लेकिन यह क्या अजीब बात लगती है कि एक ईमानदार आदमी जो उस जगह से जुड़ा हुआ था, जब वो मुख्यमंत्री बना है, तो पहले दिन से लेकर और कल तक की घटना में दिल्ली के लोगों की खामोशी, दिल्ली की उस केंद्रीय कांग्रेस की खामोशी, तमाम चाहे वो इंचार्ज हो चाहे 10 जनपद के लोग हो, ये तमाम सारे लोग गायब थे, और आज भी ऐसा लग रहा है कि जो सो के उठे हैं कांग्रेस के, ये खानापूरी कर रहे हैं, इसलिए अब मजबूरी है, लड़ रहे हैं रावत जी के साथ। लेकिन क्या रावत जी के साथ उसी मजबूती के साथ दिल्ली की कांग्रेस खड़ी है जिस भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद विजय बहुगुणा के पीछे खड़ी थी? सवाल यह मेरा। चलिए तो आपका आपका आपकी टिप्पणी में छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ रहा है रावत जी, जी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेकर मैं आपका जवाब लेता हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, तुरंत लौट रहे, बने रहिए हमारे। घटना चक्र में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ अब भारतीय जनता पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव भी जुड़ चुकी है, हिमांशी हमारे साथ, हिमांशी जी जुड़ चुकी है, हिमांशी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के पहले पुष्पेंद्र जी कई सारी बातें कह रहे थे कांग्रेस के बारे में, और ये सवाल हम कई दिनों से उठा रहे हैं कि वाकई में जो हाईकमान है उसकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा ढिलाई बरती गई, कई सारे संकेत ऐसे मिल रहे थे कि कोई बड़ा खतरा आ सकता है लेकिन उसको सही तरीके से निपटा नहीं गया। लेकिन अब हिमांशी आई जरा मैं चाहूँगा बीजेपी का एक पक्ष ले लें, हिमांशी आपसे जानना चाहेंगे, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, आम जनता में भी ये मैसेज समझ में नहीं आ रहा है, आखिर में क्या करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो मैसेज जा रहा है वो ये है कि आप जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको जानबूझ करके जो है गिराने की साजिश रच रही हैं अलग अलग तरीके से, और खासतौर से जब यहाँ पर ये पूरा मामला 28 तारीख को फ्लोर पर टेस्ट होना था, तब ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 27 तारीख को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? देखिए पहली बात तो कांग्रेस की एक आदत है दूसरों पे, अगर अपनी लुटिया डूब रही है तो दूसरों पे कहना कि बीजेपी सरकार ये कर रही है, केंद्र सरकार ने ये किया वो किया। देखिए उनके खुद विधायक बागी हुए, इसमें बीजेपी का क्या दोष है? कुछ नहीं है, वो खुद बागी हुए, कांग्रेस अपना घर नहीं देख रही है, दूसरों पर इल्जाम लगा रही है कि केंद्र सरकार ने ये किया है और केंद्र सरकार ही सरकारों को तोड़ रही है, अपनी सरकार बनाना चाह रही है, ये सब बेबुनियाद है। आप किसी भी उठ के आरोप लगा दीजिए, आरोप जब साबित हो, हमारे पास बहुमत है, 27 तारीख को हमारे पास बहुमत है, अभी अभी उन्होंने बोला है, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे पास बहुमत है, मैंने कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस अपने आप को देखे कि कांग्रेस ने, देखिए पहले मेरी बात मुझसे आपने पूछा कि बीजेपी के ऊपर ये आरोप है, अब अगर कांग्रेस पार्टी उठ के बीजेपी पे ये आरोप लगा दे कि हमारी ये तोड़ रहे हैं,
तो ऐसा तो नहीं है कल को कोई गया और विपिन जी छोटा सा सवाल है मेरा 28 तारीख को जो है फ्लोर टेस्ट होना था ऐसा क्या घटनाक्रम घटा 24 घंटे पहले कि आपको लगा कि नहीं अब ये राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी स्थिति हो गई ये समझना चाह रहे हैं बहुत लोग आपसे नहीं ये लेकिन विपुल मैं माफी चाहता हूँ बीच में बोल रहा हूँ ये वही बता रहे थे आनंद रावत जी की किन चीजों को आधार बनाया गया है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यही बात कोर्ट में भी हो रहा है और जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव का सुन रहे थे वो कह रहे थे कि कांग्रेस की अपनी अंदरूनी झगड़े के कारण है जो बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ पे कह रहे हैं मेरा मतलब जो चीज भारतीय जनता पार्टी को वाकई एक चीज वाकई समझने की जो जरूरत है और जो लोग उत्तराखंड में है वो भी जो लोग दिल्ली में है वो भी कि आखिर इससे भारतीय जनता पार्टी को तमाम जगह पे चूंकि आज कोर्ट में टिप्पणी की गई कि जल्दबाजी क्या थी तो मुझे लगता है कि आपको फायदा क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हुआ इस ये स्थिति पैदा भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे फायदा नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने फायदे के लिए नहीं सोचती दिलीप जी भारतीय जनता पार्टी वहाँ की जनता के लिए सोचती देखें अठारह तारीख को हिमांशु जी सुनिए अच्छा श्रोता भी बनिए मेरी पार्टी पे आरोप लगाए मुझे दो शब्दों में अपनी बात पूरी कर लेनी है फिर आपकी बात सुनूंगी देखिए आपने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हुआ पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने फायदे के लिए नहीं सोचती वहां की जनता के लिए हम पहले सोचते हैं और दूसरा आपकी ही सरकार के कुछ विधायक जो बागी हुए हैं उन्हीं का कहना है कि वहां पे राज्य में वहां पे क्या स्थिति थी वो किस वजह से बागी हुए हैं ये आप जानते हैं क्योंकि वहां पे आपकी सरकार है और वो आप ही के विधायक हैं इसलिए किसी के मुंह से आप ये कहलवाएं वो नहीं है देखिए अपना घर पहले देखना चाहिए दूसरों पे बाद में आरोप लगाना चाहिए एक बीजेपी से सीधा सवाल पुष्पन जी दिलीप जी ने जो बात कही देखिए हमको 18 तारीख की उस घटनाक्रम को फिर जाना पड़ेगा क्योंकि दिलीप जी ने दो प्रश्न पूछा कि बीजेपी को क्या फायदा हुआ और दूसरा कि अब ये कोर्ट में क्या जवाब देगी कि क्या इनको जल्दबाजी थी अब 18 तारीख की ये घटना है कि वित्त विनियोग विधेयक जब हो रहा था तो कुछ बागी विधायकों का यह कहना था कि हम लोगों ने हाथ खड़े करके विरोध किया करके लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी का यह कहना था कि तब तक वो पारित हो चुका था उसके बाद खड़े हुए और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग गवर्नर साहब ने भी देखी होगी तभी उन्होंने 28 तारीख का उन्होंने समय दिया लेकिन 18 तारीख की ये घटना है कि वो 9 बागी विधायकों को एक स्पेशल बस में लेकर के पहले राजभवन उनको बीजेपी के नेता उनको परेड कराते हैं और फिर रात को 2 बजे नागरिक उड्डयन मंत्री जी का चार्टर प्लेन महेश शर्मा जी का चार्टर प्लेन रात को जॉली ग्रांट में उतरता है जबकि हम सब जानते हैं 11 बजे के बाद जॉली ग्रांट में कोई भी फ्लाइट का आवागमन नहीं होता लेकिन चूंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय जी का खुद का चार्टर प्लेन है तो रात को 2 बजे बागी विधायक और बीजेपी के 27 विधायक श्याम जाजू जी कैलाश विजयवर्गीय जी और प्रहलाद सिंह जी ये सब लोग आते हैं तो अब हिमांशी जी आप कैसे इनकार कर सकती हैं कि आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अगर साथ में नहीं आए होते साथ में नहीं गए होते यहां लीला पैलेस में साथ में नहीं रुके होते तो तब आप ये कहती कि हमारा कोई लेना देना नहीं है आप साफ तौर पर एक्सपोज हो चुकी हैं लाइव दिखा था कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सम्मिलित थी दूसरा मैं विधायकों को पूरा पूरा तोड़ने का काम ही बीजेपी ने किया है अब आप सुन लीजिए ना पूरी बात आप ये नहीं कह सकते कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था क्योंकि साफ लोगों ने देखा आप इनकार नहीं कर सकती ऑन एयर अब प्रश्न रहा दिलीप जी का कि क्या जल्दबाजी थी अब यहां पर देखिए आप कि गवर्नर साहब जब कन्विंस हुए होंगे तभी तो 28 तारीख की डेट दी गई और फिर जब 27 तारीख को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो फिर 18 तारीख का ही आधार बनाया जब आपको 18 तारीख का ही आधार बनाना था तो आप 19 को ही लगा देते राष्ट्रपति शासन 20 को लगा देते तो कहीं ना कहीं अब पूरा भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पर पुष्पन जी आपका प्रश्न का भी जवाब है पुष्पन जी आपके प्रश्न का भी जवाब है क्यों लगाया आपने जो प्रश्न कहा आपने ये प्रश्न पूछा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं हरीश रावत जी के साथ दिख रहा अब यहाँ पर आप देखिए कि इस पूरे परिदृश्य में केंद्रीय नेतृत्व तो पूरी तरीके से कांग्रेस का रावत जी के साथ खड़ा है और इस पूरे परिदृश्य में हरीश रावत जी अकेले पूरी भारतीय जनता पार्टी से अकेले भिड़े पड़े हैं और हर मुकाम पर चाहे कल का फैसला हो या फिर 28 तारीख का अगर फ्लोर टेस्ट होता तो सब पूरी देश देखता कि कैसे
अकेले हरीश रावत जी ने सत्य के साथ खड़े होते हुए भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया। पूरी कांग्रेस फोर्स लगी उनके साथ, हरीश रावत जी अकेले नहीं लगे हैं। और किसी भी पार्टी का उदार तभी होता है जब उसके साथ सभी लोग। ऐसा लगा राज्यपाल को, इसलिए उन्होंने जो है 28 सत्य अकेला हो या हजार हो, मैम सत्य कभी भी जो है कम नहीं आका जा सकता। तो हरीश रावत जी सत्य के साथ खड़े हैं है। तो अकेले अगर आपको दिख रहे हैं तो वह पूरी भारतीय जनता पार्टी का भाई पड़े हुए हैं। आज आप देखिए मुकुल रोहतगी जी ने, आज आप देखिए मुकुल रोहतगी जी ने, हिमांशी जी मुकुल रोहतगी जी ने कोर्ट में 4 दिन का समय क्यों मांगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश से बाहर है। देखिए हर पूरे पूरे इसको समझिए आप कि लेकिन मुझे आनंद जी यहाँ पर यहाँ पे आप राजनीति करते हैं। आनंद जी दो बातें हैं, एक सवाल और है पुष्पिन, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी राज्यपाल के कोई आधार बनाना, इन्होंने जो बात कही राज्यपाल को ऐसा लगा तो राज्यपाल को ऐसा क्या लगा सवाल जो है राष्ट्रपति शासन होना चाहिए जी? तो वो जो राष्ट्रपति शासन लगा उसके आधार भी राज्यपाल के रिपोर्ट को ही बनाया गया है या अन्य रिपोर्ट को बनाया गया है, मेरा सवाल ये है। देखिए बिल्कुल आधार राज्यपाल जी की रिपोर्ट को ही बनाया गया होगा निसंदेह, लेकिन आप इस चीज को भी समझिए कि 26 तारीख का, मैं एक पॉलिटिकल इसका जवाब दे रहा हूँ, 26 तारीख को उस तथाकथित सीडी को आधार बनाया गया और हम सब लोगों ने देखा कि 11:30 बजे उसका विमोचन हुआ और रात को कैबिनेट बैठती है और रात को ही जो उनके तरफ से छन करके जो बातें आ रही हैं, जो हमने भी अखबार के माध्यम से आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, और रात में ही जो है गृह मंत्रालय उसी पुष्टि कर देता है कि वो सही है। अब आप एक चीज देखिए कि फॉरेंसिक लैब में जब किसी चीज की जांच होगी तो जांच तो सभी पहलुओं की होगी या एक तरफा होगी? अब यहां पर हम सब जानते हैं कि तकनीकी का किस तरीके से दुरुपयोग होता है कि चेहरा दिलीप जी का दिखेगा लेकिन आवाज मेरी सुनाई देगी। तो अब दर्शक तो यही सोचेंगे कि दिलीप जी जो है क्या बात वो कर रहे हैं करके। तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट उस तौर पर उसको कहा था कि वो सीडी झूठी है, तो क्या उस पहलू को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए? तमाम इन सभी चीजों को जो है ध्यान में रख करके हमको चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि किस दिशा में ये बड़ी है। देखिए लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है उसकी हम बात कर रहे हैं। जब स्पीकर का फैसला आया उस पर भी सवाल उठे, स्पीकर के 26 तारीख को समय दिया गया, 26 तारीख को जवाब देने के लिए 27 को फैसला लिया गया और फिर राष्ट्रपति शासन लगा है। तो आपको ये नहीं लगता है जो सवाल आज उठ रहा है, जो आप भारतीय जनता पार्टी पे उठा रहे हैं सवाल, ये सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे कि स्पीकर का जो कंडक्ट है वो कितना फेयर रहा है? क्या वो एक स्थिति नहीं बनती है जो आपके जो विरोध में है लोग खड़े वो सवाल नहीं उठा रहे हैं? आज इस सवाल का क्या जवाब है? अब दिलीप जी एक चीज को देखिए, दल बदल कानून को अगर आप देखें तो उसमें 7 दिन की मोहलत होती है जो पूरी तरीके से दी गई थी और उस पक्ष को सुना गया था और फिर 27 तारीख को करीबन 2:30 बजे के आसपास वो फैसला सुनाया गया। अब यहां पर मैं समझता हूं कि ये आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक नजीर भी बनेगा, क्योंकि जो बागी विधायक है उनका ये कहना है कि 1:10 पे राष्ट्रपति जी का दस्तखत हो गया लेकिन गवर्नर जी का जो मैसेज कन्वे हुआ 5:30 बजे हुआ। तो अब 1:10 में मीडिया ने इसको फ्लैश आउट किया, तो लेकिन संवैधानिक चीजें जो है मीडिया पे आधारित होकर के नहीं करती हैं। संवैधानिक चीजें जब संवैधानिक तौर पर ही उनको कोई चीज कन्वे किया जाएगा तो उसी के आधार पर ही होता है। करीबन 5 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जी ने भी पीसी किया था, हरीश रावत जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस समय उन्होंने भी ये बात कही थी कि अभी तक मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे कन्वे नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति शासन लग गया है और 5:30 बजे शायद चीजें कन्वे हुई। तो ये भी एक हम सब यहां पर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उनके लिए भी एक चिंतन मंथन का विषय है कि मीडिया तो कह रही है कि 1:10 पे राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हो गए, तो जाहिर सी बात है कि 1:10 पे ही जो है राज्यपाल पे ये मैसेज कन्वे होना था, फिर उतने ही बजे जो है आगे भी चीजें कन्वे होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसी हैं, लूप होल्स हैं जिसपे शायद चर्चा की गुंजाइश। इस पर तमाम पहलुओं पर हम नजर रखेंगे, समय जो है इस विषय के लिए अब इतना ही बचा। मैं चाहूंगा छोटी छोटी टिप्पणी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे ले ले फाइनल टिप्पणी छोटी छोटी, उसके बाद दूसरे विषय पर जाएंगे। उपेन्द्र जी आपकी टिप्पणी क्या, यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप आगे? अब देखिए दो बातें हैं, एक तो कि एक फैसला आना है हाई कोर्ट का और हमें लगता है कि हाई कोर्ट अल्टीमेटली सदन में जो टेस्ट है उसी की इजाजत देगा, उसका यही आदेश होगा, वो 6 तारीख को हो या 12 तारीख को या 18 तारीख को हो, अल्टीमेटली
इसका फैसला सदन में ही होना है। और जहां तक है कि एंटी डिफेक्शन एक्ट की बात है, तो हमें लगता है कि जो स्पीकर का जो फैसला है उसको अंडू करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए जो प्रोसीजर है उसका इस्तेमाल किया गया है। और स्पीकर का जो फैसला होता है, स्पीकर बने रहते हैं, विधानसभा निलंबित हो जाए लेकिन स्पीकर निलंबित नहीं होता है, और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता भी निलंबित नहीं होती है। तो विधानसभा सस्पेंड होने के बावजूद स्पीकर है जो कम्पिटेंट है। मान लिया अगर एक इमेजिनरी काल्पनिक स्थिति आप देखिए, 18 तारीख को मान लिया सरकार गिर जाती, डिवीजन हो जाता, पहले ही डिमांड करते, उसके बावजूद भी सरकार गिर जाती, फिर है कि जो व्हिप है कांग्रेस का वो अपील करता कि इन्होंने हमारे जो 9 विधायक हैं उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है, इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। तो उस बीच भी 3 दिन के 4 दिन के बाद भी जब राष्ट्रपति शासन लागू रह रहा था उसमें भी स्पीकर उनकी सदस्यता खत्म कर सकते थे। तो इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद स्पीकर की शक्ति नहीं खत्म होती है और विधानसभा की जो सदस्यता है वह भी बनी रहती है। विधानसभा निलंबित हो जाए, आधार पर ब्रेक का वक्त हो गया है। मैं आपके आधार पर ये आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा तथ्य है आप ये मान के चल रहे हैं कि हरीश रावत की सरकार जब भी फ्लोर टेस्ट होगा वो बनी रहेगी। हमें अगर जो अभी उनके जो विधायक हैं प्रेजेंट विधायक है उसमें अगर नहीं हट जाते हैं 3-4 तो ये सरकार बनी रहेगी, सरकार बनी रहेगी। आपका ये कहना है कि राष्ट्रपति शासन के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष जी का जो आदेश था वो यथावत रहता है? थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर। तमाम इससे जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हैं, क्या कुछ कोर्ट कह रहा है, बाकी नेता क्या कह रहे हैं, तमाम बड़ी खबरें जो है आप जैन टीवी पर देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बात करेंगे जरा असम चुनाव की, जहां पर सोनिया गांधी आक्रामक। घटनाचक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ, और चूंकि विषय इस विषय के रिश्ते में बहुत कम है तो बहुत छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक जो बयान दिया गया है सोनिया गांधी की तरफ से, जो भाषण दिया गया उसकी एक छोटी सी जो है टिप्पणी आपको सुना देते हैं। हमारे उद्यमियों को कर्ज नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने काला धन लाने वापस लाने का वादा भी किया था, काला धन वापस तो नहीं आए बल्कि देश का धन बाहर जरूर जाने दे रहे हैं। जिन्होंने बैंकों से हजारों हजार करोड़ का कर्ज लिया उन्हें आपने कैसे भागने दिया? जनता द्वारा चुनी हुई कांग्रेस सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त किया जा रहा, लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है, ताना शाही व्यवस्था कायम करने की कोशिश हो रही है, तानाशाही व्यवस्था कायम करने की कोशिश हो रही है, सांप्रदायिक है, बांटने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया, ये भी कहा गया प्रधानमंत्री कहते हैं यहाँ करके कि वो चाय बेचा करते थे लेकिन वो जो चाय के बागान में काम करने वाले मजदूर हैं उनके दर्द से नाकवाकिफ हैं, तरुण गोगोई ने उनके न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया, ये तमाम चीजों का जिक्र किया गया। क्या कोई इसका असर होगा इस पर बातचीत करते हैं, समय बहुत कम है, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी। पहली टिप्पणी मैं चाहूंगा हिमांशी आपसे, क्या कुछ कहेंगी सोनिया गांधी की रैली पर आप? देखिए सोनिया गांधी जी तो हमेशा शुरू से वार करती हैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने राज्य में देखना चाहिए, जो उन्होंने अपने किया वो आज दूसरों पे थोप रहे हैं। दुनिया जानती है, दुनिया मोदी जी के काम को देख रही है, दुनिया मोदी जी के काम से खुश है, और जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं उसका फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट है। कांग्रेस ने अपने राज्य में क्या किया वो आप सब जानते हैं, इतने सालों की सरकार में कांग्रेस ने आज तक देश को सिर्फ लूटा है, देश को सिर्फ बेचा है, ना कि देश के लिए कुछ किया है, सभी लोगों के सामने क्लियर। चलिए संजीव जी आप टिप्पणी देना चाहते हैं। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया कि आने वाले जितने भी इलेक्शन लगातार जो हार रहे हैं जनता को मूर्ख बनाने का उन्होंने बहुत अच्छा ठेका लेकर रखा था, और आज की जनता अच्छी तरह से समझ गई है बीजेपी को और उनका पीछे का चेहरा को, ठीक, इसलिए जनता उनको अच्छी तरह जवाब भी देगी। दिलीप जी आपको क्या लग रहा है इस बार असम के चुनाव में मुद्दे रहेंगे क्या, क्योंकि
जब हम सुनते हैं राजनाथ सिंह को, जब हम सुन रहे हैं अमित शाह को, तो वो बांग्लादेशी का मुद्दा अभी काफी उठ रहा है वहां पर। आज राजनाथ सिंह ने कहा कि वो सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर देंगे। और इधर सोनिया गांधी मजदूर और तमाम मुद्दों को वो उठा रही हैं और आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। क्या मुद्दे हावी रहेंगे? ये तो बहुत स्वाभाविक है, चुनावी रैली है, चुनाव मैदान में सोनिया गांधी गई है, कांग्रेस की अध्यक्षा है, मोदी प्रधानमंत्री पे हमला नहीं बोलेंगे तो किस पे हमला बोलेंगे? बहुत स्वाभाविक हमला है, और उसमें कोई भी हमला ऐसा नहीं है जो पहले जिस बाबत हमले नहीं किए गए हैं। ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जो चुनाव में अपने अपने समर्थकों को या बाकी लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं कुल मिलाकर के। लेकिन जो चुनौती है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए आसाम में, वो है कि 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी को कैसे कांग्रेस पार्टी वहां लड़ती है। लेकिन कांग्रेस जो कुछ उत्तराखंड में हो रहा है उसका क्या असर होगा वहां पे आसाम में? तो और एक तरह से आप देखें जो मोदी विरोध करने वाले जो जितने भी लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हैं, चाहे अन्य जो लोग हैं लेफ्ट हैं, जहां जहां से है, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रधानमंत्री खिलाफ बोल के कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे या फायदा पहुंचाने के बजाय बीजेपी को फायदा मिलेगा, ये तो परिणाम तक इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल उनसे लेंगे, मैं चाहूंगा आखिरी टिप्पणी वो दें। उपेंद्र जी आपकी बहुत छोटी टिप्पणी और पुष्पेंद्र जी की भी मैं छोटी टिप्पणी लेना चाहूंगा, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हो रहा है। देखिए सोनिया गांधी ने जो आरोप लगाए हैं जी, वो कोई भी नया आरोप नहीं है, उसके सांप्रदायिक होने का या विध्वंसक होने का ये सब चलता रहा है, पहले भी लगाया जा रहा है, इस बार भी भाषण उन्होंने लगाया है। एक नई बात उन्होंने जो कही है वो चाय बगान में काम करने वालों का, इसमें बहुत सारे प्रोमिसेज किए गए थे, उसमें केंद्र सरकार की भूमिका होती है, राज्य सरकार की भूमिका होती है, कुछ मानदंड केंद्र सरकार भी तय करती है, तो उसमें असंतोष है क्योंकि जो वादे किए गए थे चुनाव के पहले वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, तो उसका जरूर फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही होंगी सोनिया गांधी। और दूसरा कि एक बांग्लादेश शरणार्थी, हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं उठाती है, लेकिन ये है एक हमेशा सभी चुनावों में एक बड़ा मुद्दा होता है, ये मुद्दा एजीपी उठाती रही है। इस बार भी बांग्लादेश वाले जो लोकसभा के पहले जो उन्होंने वायदे किए थे वो भी पूरे नहीं किए, कुछ गांव दे दिया गया, तो वहां भी ये देखना पड़ेगा कि राजनाथ सिंह कैसे हैं जो लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि हमने जो बांग्लादेश वाले इशू पर जो हम कहते हैं वही हम करते भी हैं। पुष्पेंद्र जी आपकी टिप्पणी बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी टिप्पणी के लिए सिर्फ इतना ही कहना है कि जब वो सांप्रदायिकता की बात करती है ना सोनिया गांधी जी, की सांप्रदायिक ताकतें जो हैं देश तोड़ रही हैं, सांप्रदायिकता बढ़ी है, और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे बैंक का कर्ज लेके लोग भाग गए हैं, सवाल ये है कि बैंकों ने किसकी मिली भगत से एक ऐसे आदमी को कर्ज दिया, उस वक्त किसकी सरकार थी, कॉत्रोची किसके कहने से भागा, एंडरसन स्टेट प्लेन में कैसे भगाया गया, तो ये तमाम सारे भी जवाब देने चाहिए कि कुछ लोगों को तो स्टेट प्लेन में बैठा करके भगाया गया था। अब माल्या साहब के ऊपर कोई केस तो था नहीं, माल्या साहब पे कोई नोटिस तो था नहीं कि वो देश से जा सकते थे, तो सवाल यह है कि लोन आप दें, आपके अधिकारी आपके मंत्री एक ऐसे आदमी को लोन देते चले जाएं जो डिफॉल्टर हो, और उसके बाद यह कहें कि वो देश छोड़ के भाग गया तो मोदी जी ने भगा दिया। सांप्रदायिकता की बात कर रही है तो उनको 2002 के दंगे याद हैं, मुजफ्फरनगर के दंगे याद हैं, लेकिन बोडो और मुसलमानों के बीच में दंगों में जो 150 लोग मारे गए थे उसका भी जवाब सोनिया गांधी को देना चाहिए। आनंद जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, 3 बार की एंटी इनकंबेंसी और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें आपकी पार्टी की हालत ऐसी बता रही है कि आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगे, क्या ऐसी वजहें आपको दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि बाउंस बैक कांग्रेस कर सकती है चौथी बार भी? छोटी टिप्पणी। देखिए असम के परिप्रेक्ष्य में हमको कई चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और जिसमें सोनिया जी ने अपने वक्तव्य में कुछ बातों का उल्लेख भी किया, इसमें मैं एक चीज बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ जिसका उल्लेख दिलीप जी ने भी किया कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पूर्ण रवैये के साथ कांग्रेस शासित राज्यों को निशाना बना रही है, इससे जो जितने भी गैर भाजपा आज आप देखिए दिलीप जी, आपने कब तानाशाह कहा उपेंद्र जी, उपेंद्र जी अगर आप देखें उद्धव ठाकरे जी ने भी बहुत तल्ख टिप्पणी की है इस उस पे, उद्धव ठाकरे जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी शिरोमणि अकाली दल भी और AIDMK भी बहुत मुखर होकर के बोले, क्योंकि आर्टिकल 356 ये सभी के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मिसयूज आर्टिकल रहा है हिंदुस्तान में और बहुत ज्यादा डिबेटेबल, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें अगर आप आंकड़े देखें तो इसमें सभी सरकारें, चूंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा सत्ता में रही, तो लेकिन, आपने लेकिन, किया? लेकिन हम लोगों ने बाबरी मस्जिद जब शहादत हुई तब उसके बाद हमने 5 राज्यों में राष्ट्रपति 5 राज्यों में हमने वो किया था, तो एक
कारण रहे, लेकिन उत्तराखंड में हम अगर बात करें तो 28 तारीख को बहुमत सिद्ध होना है और एक दिन पहले आप राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हैं और आधार आप 18 तारीख की घटना को बना रहे हैं। अगर आपने करना ही था तो 19 या 20 को ही कर देते। चलिए चलिए, समय समाप्त हो गया सर। मैंने सवाल असम पे किया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, उपेंद्र जी आपका, संजीव जी आपका, दिलीप जी आपका, हिमांशी जी आपका। आज के घटनाचक्र में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।